तो फाइनली आज 10 महीनों के बाद मेरा ब्लॉगिंग चालू हो गई है। बीच में कुछ रीज़न से गैप लेना पड़ा था मानता हूँ काफ़ी बड़ा गैप हो गया है, बट कोई नहीं, अब सबकी डिमांड पर फिर से चालू हो गए हैं। तो आज मैं गुजरात के छोटे उदयपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पीक तय करके मैं बहुत ही स्पेशल प्लेस पर जाने वाला हूँ। बहुत ही स्पेशल प्लेस है वो, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे श्री PM नरेंद्र मोदी का। तो चलो चलते हैं इस सफ़र में और देखते हैं क्या सफ़र का जर्नी होता है, कैसा होता है। सफर में अपना आधा सफ़र तय कर चुका हूँ और क्या बोलते हैं आधा और बचा हुआ है। तो कहने का मतलब ये था कि जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो पूरा जंगली एरिया था और मतलब कि सब लोग खेती करने वाले, मतलब ऐसा दिख रहा था, शायद सीजन भी होगा खेती करने का, तो सब खेती करते हुए मुझे दिख रहे थे। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो ऐसा देख के एक अलग फील आया, काफ़ी अच्छा लगा। सो लेट्स हेलो वेलकम गाइस। तो अभी मैक्सिमम मैं 100 किलोमीटर का सफर करके बस से अब यहाँ से दूसरा ऑटो या कुछ भी इधर से भी पकड़ूंगा। देखो बहुत ही अच्छा व्यू इधर दिख रहा था इसलिए मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा एंजॉय करने के मूड में ऐसा, तो बहुत ही अच्छा। ये देखो ये पता है ये क्या है, ये नर्मदा नदी है और वो एक डैम है और वहां पे तुम्हें एक छोटी सी वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिख रहा होगा, ये मैं दिखाता हूँ वो देखो। तो अभी कुछ देर में चलेंगे, मतलब यहाँ व्यू अच्छा था तो इधर का मौसम का थोड़ा एंजॉय ले रहे थे, ले लेना चाहिए अच्छा व्यू है तो। हाँ देखो कितना ब्यूटीफुल, उधर नेशनल हाईवे है और उधर नदी है, इधर बीच में इधर गाड़ी क्रॉस होती है और इधर में वॉल्क मतलब ऐसा पैदल चलने के लिए ऐसा पुल है, पीछे से लोग आ भी रहे हैं। ये देखो यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है उधर जाने के लिए, जाके पूछते हैं जाएगा या नहीं जाएगा। फाइनली यहाँ से देखो ऑटो मिल गया है, ये ऑटो पे हम बैठे हुए हैं। यही ऑटो है। तो इसी तरह ऑटो का सफ़र करते हुए मैं पहुंच जाता हूं एकता नगर, जहां पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है और यहां पे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा सिटी में आ गया हूं, एक डेवलप एरिया जैसा लग रहा था। यहां बड़े बड़े मॉल थे, ये इधर मैकडोनल्ड्स थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे, काफ़ी अच्छा देखने में लगा और मतलब ऐसा फील हो रहा था कोई बड़े शहर में आ चुके हैं। तो होता ये है कि अंकल मुझे एकता नगर तक छोड़ देते हैं और दो दूसरे साइड में चले जाते हैं। तो यहाँ एकता नगर से 7 किलोमीटर दूरी पर मुझे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक जाना था, तो मुझे एक बाइक वाले भैया मिलते हैं जो मुझे ड्रॉप कर देते हैं वहाँ तक और मैं पहुँच जाता हूँ एकता नगर से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पार्किंग के पास, जहाँ पे पार्किंग होती है और टिकट काउंटर होता है। मतलब जैसे कि अभी मुझे दिक्कत हुई, डिबेट मेरे पास डिबेट कार्ड है नहीं और वो लोग कैश लेते नहीं है, तो ये दिक्कत हुई कि डिबेट कार्ड से ही देना है। तो डिबेट कार्ड अगर नहीं है तो उसका भी एक प्रोसेस है कि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लो और वो टिकट आप एक महीना पहले भी मतलब आने से बिफोर आप कर सकते हो वो टिकट बुक, वो टिकट बुक कर लो और यहाँ पे दिखा दो वो टिकट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्वायरी डेस्क है, तो इंक्वायरी डेस्क के पास मैंने जाके उनसे इंक्वायरी लिया और पूछताछ किया तो सही हुआ और सर ने हेल्प भी किया। ये देखो यहाँ पे हेल्प डेस्क है, हाँ, और उधर टिकट काउंटर, उधर स्ट्रेट में पूरा फुल। तो अगर नए नए आ रहे हो तो हेल्प डेस्क में यहाँ पे कुछ पूछताछ कर लो, शुरू शुरू दिक्कत होगा मतलब, अब इधर जैसा बताया था तुम लोग को बैठने बैठने वाला है, हाँ, और स्ट्रेट में पूरा टिकट काउंटर, डन। और क्या बता रहा हूँ मैं कि अब चलो हो गया मेरा, टिकट भी हो गया
और क्या बोलते हैं लेजर शो का भी टिकट हो गया। लेजर शो जो स्टेच्यू में जो लेजर पूरा इधर उधर जलता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, तो वो शो देख के भी मैं जाऊंगा। अब जाते हैं बस के तरफ, बस पिकअप पॉइंट उधर है। हाँ देखो उधर है, इतना टेढ़ा मेढ़ा है भाई। अब किधर से, आगे से पजल की तरह इधर से चलते हैं ना, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, नीचे से, नीचे से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारी बस लगी पड़ी है, वल्लभ भाई पटेल, मोदी जी, और ये कौन है पता नहीं। रास्ता भूल गए क्या अंकल? पूरा फुल एसी है। हाँ फुल एसी। आ रहा है सही। ये देखो अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई। यस yes. हम लोग की सेफ्टी के लिए पुलिस अंकल। तो इसी सफर में हमारे राजस्थान के चार दोस्त होते हैं जो हमारे साथ ही हमारे बस में साथ चलते हैं। ये देखो हमारे भाई लोग राजस्थान से हैं, ये लोग भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने आए हैं। क्या सवाल? बोलो कुछ, आप सुनाई देगा, बोलो बोलो उसमें बोलो बोलो। ये भैया ब्लॉगर है। ये देखो ये भैया छोटे उदयपुर से आए हैं, हम बड़े उदयपुर से आए हैं, राजस्थान से। सरदार वल्लभ भाई तो देखने आए हैं, और वो देखो है, आप भी देख लो सब। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए, बड़े तो पसे देखा देखा। ये देखो है, ये पसे लगा हुआ थोड़ा घूमी लग। बोलिए भैया, आप कुछ बोल नहीं रहे? हम ये बोल रहे हैं, यहाँ दादा को देख रहे हैं, बहुत बड़े हैं, विशाल काय है और अच्छे लग रहे हैं। तो फाइनली अभी हम लोग बस से और सब लोग हम लोग आ गए यहाँ पे। ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ हेलीकॉप्टर भी उतर जाएगा। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह। और यहाँ से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दादा बहुत बड़े दिख रहे हैं क्या भैया? है बहुत ना? बड़े, बहुत बड़े। बहुत सारा यहाँ देखो स्टेशन है, ये स्टेशन 6 नंबर 7 नंबर 5 नंबर इधर भी है और उस साइड में भी है शायद स्टेशन, है ना? हाँ। तो अभी हम लोग को भाई लोग मिल गए हैं, देखो साथ में भी घूमेंगे हम लोग सब। और सबसे अच्छी बात है बस फ्री है, वहां से आने का बस फ्री कर रखा है। नहीं नहीं फ्री नहीं है, बस फ्री है। हाँ बस फ्री है, टिकट टिकट हाँ, 380 का हुआ है। हाँ बस का एंट्री का टिकट। हाँ हाँ ये देखो एक और बस आ गई। ये देखो पूरा फैमिली के साथ में आए हैं अंकल लोग। चलो स्कूली, शायद स्कूल के बच्चे लोग हैं। थोड़ी एक दुख वाला बात है, भाई लोग टिकट नहीं लिए हैं,
मतलब इधर ही से नहीं वो बात नहीं है, मतलब कि इधर ही भैया लोग इधर ही रह रहे हैं तो ऐसे ही आए थे बस। अब कल कभी और घूम लेंगे, ये इधर ही रहते हैं। हाँ कल वापस। चलो ठीक है भाई यार, ठीक है बाय। अब मुझे यहाँ से अकेले ही जाना होगा, मतलब आप लोग थे तो अच्छा लगता। चलो चलते हैं फिर। ये रहा एंट्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। यूनिटी सो वाओ, मैं क्या बता, अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट था, मतलब पूरा एक एक चीज निकाल के देख रहे थे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और भाई कसम से बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को है इधर, वो देखो। उस साइड भी एलिवेंटर है और बीच में भी पैदल चलने के लिए, मतलब आपकी मर्जी आप जो करो। गाइस वी आर फाइनली रीचिंग द इंडिया एंड वर्ल्ड मोस्ट टॉलेस्ट स्टैच्यू, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो देखो। और वो कौन है तुम्हें तो पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे मेरा फोन भी बहुत कम चार्ज है तो अभी इसके ऊपर, वो ऊपर उनका दिल दिख रहा है ना, वो ऊपर उनके दिल में जाके ऐसा देखेंगे चीज़। चलो चलते हैं ऊपर, चलते हैं थोड़ा बहुत। हाँ ये सीटिंग एरिया है और ये देखो उनका सर। वाह टॉयलेट है, ये म्यूजियम है शायद। चलते रे भाई चलते। म्यूजियम में बहुत सारी एक्टिविटीज है ये देखो। ये हमारे वल्लभ भाई पटेल, इधर मूवी चल रहा है शायद। इतना सारा म्यूजियम ये देखो, लुक एट दिस ऑल, सन ऑफ सॉइल, माटी के लाल। ये लाइब्रेरीज आर्टिफिशियल, ये ऐसे देखने में लाइब्रेरी लग रही है लेकिन आर्टिफिशियल है ये, दिस इज नॉट ओरिजिनल। हम करें ये देखो, ये बनी हुई है बट देखने में ओरिजिनल लग रही है, ये लाइब्रेरी है। वाह ये सब गेम हुए अहमदाबाद प्लेस, बहुत सारी एक्टिविटीज है भाई। ओहो क्लोज है उधर, ये
are now. यूनाइटिंग इंडिया, ये देखो तो ये हमारा इंडिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में बनाया गया है। ये पूरे इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेच्यू है। ये पता है ये सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है जो कि नर्मदा नदी टापू पर है। और ये स्थान भारत राज्य के गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर 597 फीट है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेंपल बुद्ध है जिसकी आधार के साथ कुल ऊंचाई 153 मीटर 502 फीट है। और इसको बनाने में 2979 करोड़ रुपये लगे हैं। और इसको बनाया है हमारे श्री नरेंद्र मोदी ने। और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने ही 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर किया है। आज़ादी के नाम में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी बहुत बड़ा नाम है और ऐसा होना ये डिजर्व करते थे। डेट्स वेस्ट, भारत को जोड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये कहूँ तो कुछ गलत नहीं है। हैदराबाद को भी इन्हीं ने जोड़ा था। और भी बहुत सारे राज्य है जो अलग होना चाहते थे मगर इन्होंने जोड़ा और आज हमारा भारत पूरा संपूर्ण भारत है। सरदार ने